अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जैसा कि आपको पता है, ईद की शॉपिंग थोड़ी सी पेंडिंग थी, तो वही थोड़ी सी शॉपिंग करने आए हैं। और मेरे साथ हैदर साहब मौजूद हैं, और हैदर साहब के साथ में यहाँ पे आज नहीं, तुम ये कर लो पहले। हाँ, ये कर लो पहले। शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी करते हैं, देखते हैं। और जैसा कि इस चैनल के ऊपर थोड़ी सी इंडियन ऑडियंस अब मौजूद है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह था कि बेसिकली मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि बॉर्डर के उस पार बाजार, गलियां और लोग कैसे होंगे। अब अनफॉर्चुनेटली आप यहां पे और हम वहां पे जा तो सकते नहीं है, तो तब तक के लिए ये डिजिटल मुलाकात से काम चलाते हैं। आपको थोड़ा सा लाहौर की मार्केट्स विजिट करवाते हैं। तो आज देखते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। कुछ अभी बॉयज वगैरह भी आ रहे हैं, उनके साथ भी सीन ऑन है, तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं सारा आपको दिखाते हैं। और जो पाकिस्तान से या लाहौर से जो लोग भी देख रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने इस लोकल टैलेंट को सपोर्ट करें। ये देखिए लोकल टैलेंट। अभी हम लोग एक शॉप पे आए हैं, और क्या नाम है आपकी शॉप का? लोकाची। यहाँ पे भाई के पास वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी हुई है, देखते हैं अगर यहाँ से कुछ पसंद आता तो फिर लेते हैं। शर्ट का तो पता नहीं, लाइट यहाँ भी बड़ी मज़ेदार है, कुछ ज़्यादा ही खुली है यार ये शर्ट। खुली ज़्यादा नहीं है? नहीं सही है, ज़्यादा खुली है यार, मार्केट बहुत खुली है। इसमें साइज यही पड़ा हुआ, शोल्डर दिखा नीचे, सीधा खड़ा हो, शोल्डर नीचे, थोड़ी खुली है, खुली है ना। एक दुकान पे तो हमें पसंद कोई खास नहीं आया, मार्केट वगैरह भी बंद हो रही है। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। हेलो साहब मसरूफ इंसान है। एक्चुअली मैंने डिलीवरी करनी थी आपने पार्सल की डिलीवरी करनी। अच्छा, फिर ठीक है। तो मोहतरमा ने रिसीव करने में थोड़ा सा टाइम लगा लिया, तो इस वजह से मेरी वजह से ही लेट हो गए, तो उसके लिए माजरा। कोई बात नहीं, हम तुमसे अगले जानने साहब लेंगे इस बात का। तुमको अभी घूम फिर रहे हैं, अभी तक कुछ पसंद तो नहीं आया। थोड़ा सा आपको मैं ना प्राइस का आइडिया वगैरह भी, अब जहाँ पे जाऊँगा ना वहाँ पे कुछ कोशिश करूँगा प्राइस वगैरह भी वीडियो के अंदर ही पूछूँ, ताकि आपको प्राइस का भी हल्का सा आइडिया हो जाए। शर्ट की प्राइस बतानी है इन्होंने। हाँ, और किसकी बतानी थी? हाँ, मार्केट काफ़ी हद तक क्लोज हो गई है, थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह खुली नहीं है, बाकी काफ़ी हम लोग लेट हो गए हैं। हम बस इस इंतजार में कि कोई बंदा आएगा, इसका फोन छीन के भाग जाएगा, फिर हम घर जाएंगे, वैसे नहीं हम जाने वाले। Oh, oh, scary. Oh, shiver my timbers. Shut up. Heather, तुम्हारे लिए एक शर्ट पसंद कर लिया मैंने। हमारी पसंद की शर्ट हमें यहाँ मिली तो है, लेकिन फुल स्लीव में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार ये जो मस्जिद वाली जगह ना, वहाँ पे खड़े हैं। यार ये मुझे पसंद आ भी रही है और नहीं भी आ रही, देख के पसंद आ रही है और सोच रहा हूँ पहन के कैसा लगूंगा। ये तो पहन के पाकिस्तान का झंडा बन जाऊंगा। बाकी शॉपिंग तो एक बहाना था, असल मकसद तो आपको करीम मार्केट दिखाना था। शॉपिंग हमारी इस मरतबा फिर नहीं हुई, फिर पेंडिंग है। आपको पता होगा अगर आपने पिछला ब्लॉग देखे हैं, तो ईद से पहले की पेंडिंग चल रही है, देखते हैं कब ये शॉपिंग का सिलसिला खत्म होगा। नहीं बस अभी हम आ गए हैं चश्मान, हमें शेख साहब ने ज्वाइन कर लिया। यही भी मिला है, पठानों के पास से बरामद हुआ। पठानों के पास से नहीं बरामद हुआ यार, सलाम कर दो यार, लोग देख इधर देख, इधर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? अभी हम चश्मान आ गए हैं, यहाँ पे कुछ शूज वगैरह देखने हैं, तो ये देखें आप, काफी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे गुची, एलवी, नाइकी, जॉर्डन सब मिलेगा। गुची के वो आर्टिकल्स भी मिलेंगे जो गुची को भी नहीं पता कि उन्होंने बनाए हैं। नौ नंबर आएंगे भाई। और कितने का है ये?
ये आपके लिए मिलेगा 4500 रुपए। 4500 रुपए का किस्ते हो जाएंगी? इसके लिए क्यों मिलेगा यार, ये इतना प्यारा थोड़ी है, इसके लिए क्यों? इसके लिए क्यों? और इसके लिए कितने का? जाने का टाइम है इसलिए आपको रेट लगा दे रहा हूँ। ऐसा तो हम 6500 रुपए रेट ही बता रहे। 6500 रुपया? 6500 के 4 के 2? एक कमा दो, एक एक जूता पेयर का मिलेगा। अच्छा, हाँ तो गुस्सा कर गए। हाँ तो जरा इसका बुरा नाम ना ये ना सर, अपनी बीवी को दिखा रहे हैं। अच्छा, बीवी को कॉल पे है। क्या बकवास करते हो यार तुम। नहीं बस डोनर आ गया है और अब इसको खाते हैं और चेक करते हैं इसका कैसा टेस्ट है। मजेदार। और ख़ास तौर पे इंडिया की जामा मस्जिद का एरिया मेरा एक्सप्लोर करने का बहुत ही दिल करता है। ख़ास तौर पे उनकी जो फूड स्ट्रीट है वहाँ की, वो बहुत एक्सप्लोर करने का दिल करता है। और मैंने जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी हैं सब लोग जामा मस्जिद कहते हैं और हमारे यहाँ पे जामिया मस्जिद बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उर्दू और हिंदी का फ़र्क होगा। अगली कहानी हैदर की ज़ुबान में। मैं यहाँ से खाता रहता हूँ अक्सर, मुझे बहुत मज़े का लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना गरीबों को पहली बार खिला दें। अच्छा, यानी कि तुम खिला रहे हो? ऐसे थोड़ी ना लोगे हमसे। मैं सिर्फ बताया है, पैसे खुद ही देगा, पैसे अपने अपने हैं। क्योंकि अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैं भी बराबर का गरीब हूँ। और डर गई आई, डर गई आई, डर गई आई, डर गई आई। थोड़ा सा गिव एंड टेक होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लाइक एम रख रहे हैं, 50 लाइक्स और 20 कमेंट्स हो जाएंगे। नहीं बस, हर गैदरिंग के एंड की तरह हम आ गए हैं अभी चाय पीने, और हमारी हर गैदरिंग का एंड चाय और तार से होता है। तो हैदर साहब ड्यूटी पे लग गए हैं और चाय बस आ रही है। चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी टोला वगैरह खेलेंगे और फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। जी तो ठुल्ले का रूल है कि जो बंदा हारता है वो पत्ते बांटता है। तो इन भाई ने पत्ते बांटे, अभी कैसा लग रहा है आपको? तो पत्ते बांट के आप देखते हो, समझ ही गए होंगे कि पहली गेम में हार चुका हूँ। अब अगली गेम देखते हैं किसको होती है। देख भाई, चल लो, वीडियो चल रही है। ले बॉयज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके नीचे आप कमेंट लाजमी करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। यू गाइस नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे पास सब कुछ है।